हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। इस वीडियो में हम 2020 का इंडियन राइटिंग पेपर ले रहे हैं, बीए फाइनल ईयर का, और 81 से क्वेश्चन लेंगे। ए डिस्टिंग्विश्ड एडिटर जयंत महापात्रा हैज़ बीन ब्रिंगिंग आउट फॉर मैनी ईयर्स ए लिटरेरी मैगजीन कॉल्ड चंद्रभाग्या। एक जाने माने एडिटर जयंत महापात्रा जो हैं, उन्होंने कई सालों तक एक लिटरेरी मैगजीन का संपादन किया। वो मैगजीन कौन सी थी? चंद्रभाग्या। आइए हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जयंत महापात्रा के बारे में। जयंत महापात्रा एक रिनाउंड ऑथर थे और उसके साथ साथ वो टीचर ऑफ फिजिक्स थे, है ना, फिजिक्स के टीचर रहे हैं। 22 अक्टूबर 1928 को इनका जन्म हुआ था, कटक में हुआ था। और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद रखना है, जयंत महापात्रा ही पहले भारतीय थे जिन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन साहित्य एकेडमी अवार्ड। इसके साथ साथ इन्हें पद्मश्री मिला था 2009 में। और इनके मेन वर्क्स हैं रिलेशनशिप, जो कि 1980 में आया था। इनकी बहुत प्रोमिनेंट पोएम्स हैं इंडियन समर और हंगर, जिसमें से हंगर हमारे कोर्स में है। तो जयंत महापात्रा जो हैं वो टीचर ऑफ फिजिक्स रहे हैं। 22 अक्टूबर 1928 को इनका जन्म हुआ कटक में, और फर्स्ट इंडियन हैं जो साहित्य अकेडमी अवार्ड जिन्होंने प्राप्त किया था। आइए आगे चलते हैं। आफ्टर द फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री जयंत महापात्रा ज्वाइंट डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ उड़ीसा एंड टॉट फिजिक्स। तो ये तो आपको पता ही है कि कई मास्टर डिग्री के बाद जयंत महापात्रा ने बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस उड़ीसा में ज्वाइन किए, और उन्होंने क्या पढ़ाया, तो फिजिक्स पढ़ाया। आगे चलते हैं। इनका जो पहला वर्क था वो क्लोज द स्काई 10x10 था। अगला एक क्वेश्चन है, विच टेम्पल टाउन फिगर्स प्रोमिनेंटली इन महापात्रा'स पोएट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा टेम्पल टाउन, कौन सा मंदिर का टाउन जो है वो महापात्रा की पोएट्री में प्रोमिनेंटली माने मेन रूप से दिखाया जाता है। तो पुरी का टेम्पल जो है वो जयंत महापात्रा के उपन्यासों में या मतलब पोएट्री में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिसाइड्स इंग्लिश जयंत महापात्रा आल्सो रोट इन उड़िया। उड़ीसा से थे तो उड़िया में भी लिखा है, तो इन्होंने इंग्लिश और उड़िया दोनों में लिखा है। अगला है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ जयंत महापात्रा'स पोइम हंगर। जयंत महापात्रा की पोइम हंगर का मेन थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉवर्टी और सेक्सुअलिटी, गरीबी और सेक्सुअलिटी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ द फादर ऑफ इन द पोइम हंगर। हंगर में एक पिता अपनी बेटी को प्रोस्टिट्यूशन के लिए यानी वेश्यावृत्ति के लिए उकसाता है। तो व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ द फादर इन द पोइम हंगर। हंगर में पिता का व्यवसाय क्या था? तो पिता जो था वो फिशरमैन था, मछुआरा था। अगला है, पाम्स फ्रॉन्ड्स स्क्रैच्ड माई स्किन व्हाट इमेज इज प्रेजेंटेड इन द अबव लाइन फ्रॉम द पोइम हंगर। पाम माने हथेली, हथेली ने मेरी स्किन को पूरी तरह से स्क्रैच कर दिया, मतलब कि छील दिया, मतलब खरोंच डाल दी। इसमें कौन सी इमेज का यूज़ हुआ है? तो इसमें जो है इमेज ऑफ वाउंड का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है, द पोइम हंगर इज़ इन फॉर्म ऑफ, पोइम हंगर जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में है। और हंगर में दो तरह के हंगर दिखाई गई है, एक तो फिजिकल हंगर और एक सेक्सुअल हंगर। और हंगर जो थी वो हडसन रिव्यू में सबसे पहली बार छपी थी, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द फादर इन द पोइम हंगर फोर्स हिज डॉटर इन टू द प्रोफेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूट। हंगर में पिता जो है, मछुआरा पिता जो है, वो अपनी बेटी को किस प्रोफेशन में ढकेलता है? प्रोस्टिट्यूशन के प्रोफेशन में ढकेलता है। अगला है, द सूट इमेज इन द थर्ड स्टेंजा ऑफ महापात्रा'स पोइम हंगर इज ए कस्टमरी सजेशन ऑफ सिन। सूट इमेज जो है महापात्रा की पोइम हंगर की थर्ड स्टेंजा में, वो एक कस्टमरी सजेशन है सिन यानी पाप का। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और 91 से 100 के क्वेश्चन हम पहले ही पैलेंक्विन वेयरर्स की MCQ में दे चुके हैं, आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।